बनाने के लिए मैंने ली है तकरीबन 1.25 किलो के करीब भिंडियाँ, ये अदरक का इतना सा टुकड़ा भी लिया मैंने, और उसके अलावा 3 प्याज लिए हैं और तकरीबन 4 टमाटर लिए हैं। अगर हमें इनमें कोई कमी बेशी करनी होगी तो वो आप मसाले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं तकरीबन 1 कप से थोड़ा उसका जो है वो भिंडी लूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे भिंडियाँ फ्राई करनी है, और फ्राई करने के बाद आपको पता नहीं थोड़ा सा घी जो कमी बेशी हो जाती है। यहाँ मैं जब तक भिंडियाँ जो है अपना कलर नहीं चेंज हो जाती तब तक मैं इनको फ्राई करूँ, और फ्राई करने के बाद जो है मैं इन्हें लिख के निकालूँगी। लेकिन कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रही हूँ यार अपने, अभी हमने इनको और अच्छा कलर भूलूँगा। अब मैं यहाँ पे इनको निकालना शुरू कर रही हूँ, ये भून रही है तकरीबन, और अब मैं यहाँ पे इनको निकाल के अलग बॉल में रख दूँगी। अब इसी के अंदर मैं ये टमाटर ऐड कर रही हूँ, और टमाटर के पानी को अच्छी तरह से कुक करेंगे। यहाँ पे ये अदरक का जो मैंने कद्दूकस किया है ये भी डाल दूँगी साथ ही साथ साथ, इसको चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसका मसाला जो है वो मैश होता जाए। हम इसमें टमाटर का मसाला बना रहे हैं, यहाँ टमाटर थोड़े नरम पड़ गए हैं, अब मैं बीच में थोड़ा नमक मिर्च जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो डालूँगी। नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया, साथ ही मैंने हल्दी डाल दी। तो मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और टमाटर को बिल्कुल मैश कर देंगे। ये तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसको ओपन कर दिया, इसमें हल्का सा पानी डाला था, और अब मैं इसी पानी को खुश करूँगी ताकि ये सारा जो टमाटर का पेस्ट है वो बिल्कुल मैश हो जाए। अब देखिए मसाला तकरीबन भून गया, और मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर दूँगी। अब मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए, चाहे आप दम पे छोड़ दें, थोड़ा सा इसको हम नरम कर देंगे, अच्छी तरह से नरम करना, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा प्याज रखेंगे, और उसके बाद हम इसको भिंडिया डालेंगे। मैं तकरीबन यहाँ पे भिंडिया ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम की आंच पे रखेंगे। ये मिक्स हो गई है और अब इसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे। जी ये फाइनल लुक है, यहाँ मैं इस पर धनिया और हरी मिर्चों को डाल चुकी हूँ, और आप इसको गर्म गर्म रोटियों के साथ अब नोश करें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।